नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का 500 एमसीक्यू सीरीज में। और लास्ट वीक जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 500 एमसीक्यू का सिक्स पार्ट, 30 सितंबर आने वाला। उससे पहले ही मैंने आपसे वादा किया था कि जितने पार्ट्स रहेंगे बचेंगे उतने में मैं आपका 500 एमसीक्यू डिस्कस करूंगा। तो डेफिनेटली गाइस ये कंप्लीट हो जाएगा, तो परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। आज के हमारे 50 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे, देखते हैं वो कौन से क्वेश्चन है, किस लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, उसके अलावा स्टैटिक क्वेश्चंस भी रहेंगे और एडिशनल डेटा भी रहेगा। चलिए आते स्टार्ट करते विद द वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले प्लीज लिंक को शेयर कर दीजिए जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे साथ और भी जुड़ सके। बढ़ते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इन विच सिटी ग्लोबल डिसेबिलिटी समिट वॉज हेल्ड? गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस शहर में वैश्विक दिव्यांगता सम्मेलन 2018 आयोजित हुआ था? न्यू दिल्ली, लंदन, टोक्यो, मॉस्को या बीजिंग? मैं चाहूंगा जरा जल्दी से आंसर मिले मेरे को। रवि, अवनीश, सुमित शर्मा ऑप्शन नंबर टू के साथ जा रहे हैं। कौशल, रानी, रंजना, टीना, वीर, अंकित, ओके, पूजा, प्रसाद, गुड आफ्टरनून भाई, मोनिका, महान, अश्वनी, सभी यहां पर कह रहे हैं ऑप्शन नंबर टू के साथ जा रहे हैं। लेट्स सी द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर भाई, याद रखना है, एग्जाम का क्वेश्चन बनना है ये कि ग्लोबल ग्लोबलिटी समिट 2018 कहां पर हुआ, तो सिर्फ एक लाइन में याद रखना है, वेन्यू वाज द लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इन विच सिटी सेकेंड मीटिंग ऑफ नेशनल काउंसिल ऑन इंडियाज न्यूट्रिशन चैलेंजेस एंड पोषण अभियान वॉज हेल्ड? इंपॉर्टेंट, किस शहर में पोषण अभियान के अंतर्गत भारत की पोषण चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद की दूसरी बैठक, एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेगा, दूसरी बैठक की बात हो रही है, कोलकाता, मुंबई, देहरादून, नई दिल्ली या भोपाल? अरे अब गाइस यहां पर स्टिल में आंसर का वेट कर, ऑप्शन ऑफ फाइव के साथ जा रहे स्टूडेंट। भोपाल भी यहां पर कह रहे, न्यू दिल्ली भी आंसर आ रहा है, मोनिका, रोहित, योगिता वर्मा इज सेइंग लंदन, आई थिंक पुराना यहां पर चल रहा है, देहरादून, सुरभि सेइंग कि यहां पर देहरादून, बट द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू फोर। न्यू दिल्ली वॉज द वेन्यू ऑफ द, इंपॉर्टेंट मार्क करेगा, न्यू दिल्ली वॉज द वेन्यू ऑफ द सेकेंड मीटिंग ऑफ नेशनल काउंसिल ऑन इंडिया न्यूट्रिशन चैलेंज अंडर पोषण अभियान, इंपॉर्टेंट मार्क करेगा, आना है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन विच सिटी, इंपॉर्टेंट इसे भी, इन विच सिटी सेकेंड इंडिया यूके साइंस एंड इनोवेशन काउंसिल मीटिंग वॉज हेल्ड? किस शहर में छठवीं भारत और यूके विज्ञान और नवाचार परिषद की बैठक आयोजित हुई थी? इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। ओके, स्टिल वेटिंग आंसर। चलिए आंसर की बात यहां पर कर लेते हैं, चलिए आंसर की बात करें, आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री, न्यू दिल्ली की बात करेंगे। न्यू दिल्ली वॉज द वेन्यू ऑफ द सिक्स्थ इंडिया यूके साइंस इनोवेशन काउंसिल मीटिंग। सिक्स्थ इंडिया यूके साइंस एंड इनोवेशन काउंसिल मीटिंग वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। आई होप सो ये भी आपके क्लियर होगा। बढ़ते देखते नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, हुज लॉन्च नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम? किसने राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम का आरंभ किया है? रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, वेंकैया नायडू या सुमित्रा महाजन? सो ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर, जेपी नड्डा है जिनके द्वारा लॉन्च किया गया है नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। फिर दोबारा समझ लीजिए, जेपी नड्डा जी के द्वारा राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ किया गया। नेक्स्ट, चेरुलम अब्दुल्ला का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे, या यूं कहें वह किस राज्य के पूर्व मंत्री थे? ये तो क्लियर हो गया कि ही वॉज द पॉलिटिशियन, चेरलम अब्दुल्ला वॉज द पॉलिटिशियन, बट गाइस यहां पर क्वेश्चन अलग है, ही वॉज द फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? वह किस राज्य के पूर्व मंत्री थे? क्या तमिलनाडु है, क्या केरला है, क्या आंध्र प्रदेश है, क्या तेलंगाना है, या मध्य प्रदेश है? आंसर की बात यहां पर करते हैं, जो आंसर आ रहा है केरला। चलिए लेट्स सी, ओके बबिता यादव सिंह केरला, ओके यहां पर आंसर जो आ रहा है तमिलनाडु, निशांत श्रीवास्तव कह रहे हैं यहां पर तमिलनाडु, बट देखते हैं आंसर इस क्या है, आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर टू है, केरल के यह पूर्व मंत्री थे। नेक्स्ट, हु हैज बीन कन्फर्ड विद द उड़ीसा हाइएस्ट लिटरेसी अवार्ड अतिबदी जगन्नाथ दास सम्मान फॉर 2018? किसको उड़ीसा के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार अतिबादी जगन्नाथ दास सम्मान 2018 के लिए सम्मानित किया गया, माफ करिएगा 2018 सम्मानित किया गया? राजकुमार सिंह, रामकांत राथ, विजय राम कुमार, नरेश राज सिंह या जितेश शर्मा? हरी अब गाइज इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन आना है, उड़ीसा का हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड की बात हो रही है यहां पर, और जिसका नाम है अतिबदी जगन्नाथ दास सम्मान, और उसके लिए यहां पर चुना गया है, उसके लिए यहां पर जो चुना गया है वो आ रहा है राजकांत रथ, बिल्कुल डेफिनेटली राइट आंसर, ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर, रामकांत रथ का नाम याद रखना है, जिनको कि कह सकते हैं उड़ीसा के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार अतिबदी जगन्नाथ दास सम्मान से 2018 के लिए कह सकते हैं कि चुना गया, यूके सम्मानित किया गया। नेक्स्ट,
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज फॉर्म्ड अ मॉनिटरिंग कमिटी ऑन द क्लीनिंग ऑफ यमुना, हु इज अ मेंबर ऑफ दिस कमिटी? राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने यमुना की सफाई पर निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति के सदस्य कौन है? वी एस सजवान, सैलजा चंद्र, राकेश पाल, बोथ वन एंड टू या लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया, इसका मतलब जब ये मैंने पढ़ाया था तो आप लोग मेंटली प्रेजेंट थे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। यहां पर बोथ वन एंड टू का भी ऑप्शन है और लास्ट का दे रखा है, ऑल ऑफ द अबव का भी ऑप्शन दे रखा है, बट स्टिल अभी तक आंसर यहां पर नहीं आया। आंसर की बात करें तो यहां पर ओके आना स्टार्ट होगा, बोथ वन एंड टू, बोथ वन एंड टू। तो यहां पर जो मेंबर बने हैं उसमें एक नाम याद रखना बी एस सजवान का और दूसरा नाम याद रखना सैलजा चंद्र का। सो ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट भाई, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पर्सन चियो मियाकू हैज पास्ड अवे रिसेंटली, शी वॉज 117, शी वॉज फ्रॉम विच कंट्री? विश्व की सबसे वृद्ध व्यक्ति चियो मियाकू का हाल ही में निधन हो गया, वह 117 वर्ष की थी और वह किस देश से थी? जापान, चाइना, रशिया, यूक्रेन या युगांडा? अब चलिए एडिशनल फैक्ट की बात कर लेते हैं, टेक्निकलिटी प्लीज स्क्रीन को जूम किया जाए। जापान की कैपिटल है टोक्यो, एंड करेंसी की बात करें करेंसी यहां पर येन चलती है, एंड चीन की कैपिटल आपको याद रखनी है, चीन की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी युआन ऑब्लिक रैनमिन भी यहां पर चलती है, रशिया की कैपिटल मॉस्को है, करेंसी रूबल, यूक्रेन कैपिटल, यूक्रेन की कैपिटल कीव है, करेंसी की बात करते हैं रिवनिया, यहां पर मुद्रा चलती है, एंड युगांडा की कैपिटल है कंपाला, एंड करेंसी की बात करें यहां पर शिलिंग चलती है। सो आंसर पहले तो देख लेते हैं, आंसर की बात करें जहां तक है आंसर जापान है, सो ऑप्शन नंबर यहां पर बात करते हैं, ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर। प्लीज याद रखिएगा ऑप्शन नंबर वन की यही कहां से थी, यह है जापान से थी, एग्जाम में यही क्वेश्चन बनेगा कहां से, तो जापान से। नेक्स्ट, Who has inaugurated second conference of young superintendent of police in New Delhi? किसने नई दिल्ली में द्वितीय युवा पुलिस अधीक्षक सम्मेलन का उद्घाटन किया था? रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू या सुमित्रा महाजन? राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर। राजनाथ सिंह वॉज इनॉग्रेटेड सेकंड कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, आउट ऑफ टाइम स्कोर क्या जरा पोस्ट करिएगा। विच बैंक हैज अक्वायर्ड 9.9% स्टेक इन फिनटेक फर्म अर्थशास्त्र फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड? किस बैंक ने फिनटेक फर्म अर्थशास्त्र फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड में 9.9% की हिस्सेदारी खरीदी है? HDFC, ICICI, SBI, देना बैंक या यूको बैंक? किस बैंक ने यहां पर 9.9% की कह सकते हैं हिस्सेदारी खरीदी है? किसमें खरीदी है? फिनटेक फर्म अर्थशास्त्र फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड में। इंपॉर्टेंट इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। किशन सिंह 10 out of 10, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। पायल शर्मा सिंह 10 out of 10, बहुत बढ़िया। आंसर की बात यहां पर कर लेते हैं, आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर के साथ जाऊंगा मैं दूसरे के साथ, ICICI बैंक हमें ना ख्याल, आपका टैगलाइन है इसकी मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर। तो याद रखना इस बैंक ने 9.9% का स्टेक खरीदा अर्थशास्त्र फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड में। नेक्स्ट, इन विच सिटी धर्मेंद्र प्रधान हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर परमानेंट कैंपस ऑफ नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन? किस शहर में धर्मेंद्र प्रधान ने महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कौशल प्राधिकरण संस्थान के स्थायी परिसर का शिलान्यास किया है? माहौल बड़ा गर्म है भाई, थोड़ा बहुत माहौल को ठंडा कर दिया जाए, तेरे जल्दी से आंसर दे दीजिए। किस शहर में धर्मेंद्र प्रधान ने महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कौशल प्राधिकरण प्रशिक्षण संस्थान के स्थायी परिसर का शिलान्यास किया है? क्या वह आगरा है, मोहाली है, मथुरा है, लखनऊ है या ग्वालियर है? मोहाली पंजाब, मोहाली पंजाब। देखिए अब आंसर आ रहे हैं, आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट अंडर सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना? सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो 1.5 लाख रुपए का है और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 250 रुपए का है। यहां क्वेश्चन अलग फ्रेम किया गया, ये पूछा गया है कि व्हाट इज द मिनिमम, माफ करिएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट अंडर द सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना? 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 5 ईयर्स, 12 ईयर्स या 11 ईयर्स? ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है तो प्लीज जरा तैयार रहिएगा इसके लिए। ओके, स्टिल वेटिंग फॉर आंसर। 10 ईयर्स यहां पर आ रहा है, कामिनी गुप्ता जी का आंसर है यहां पर 10 ईयर्स, पंकज सिंह यहां पर कि भाई सभी का जो गौरव कश्यप कह रहे हैं कि अब 10 साल, तो डेफिनेटली भाई ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, विच डे इज ऑब्जर्व एज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे? कौन सा दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है? 4th of January, 9th of January, 10th of January, 12th of January या 24th of January? जितने भी डेज यहां पर मेंशन है, डेट दे रखी है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं इन डेट पर कोई ना कोई दिन तो मनाया जाता है। अब कौन सा दिन है, चलिए आते हैं उनको देखते हैं। पहले आंसर डिक्लेयर करेंगे, ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर। 24th January की हम बात करते हैं, 24 January को हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं।
आते हैं जरा देखते हैं बाकी। और उसके अलावा मेरा एक से क्वेश्चन है, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाते हैं, प्लीज जरा कमेंट बॉक्स में आंसर देके बताइए। वर्ल्ड ब्रेल डे की बात करें तो ये 4 जनवरी को ऑब्जर्व होता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। वर्ल्ड हिंदी डे की बात करते हैं 10 जनवरी को। एंड नेशनल यूथ डे की बात करें ये अपना 12 जनवरी को है। एंड नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की बात करें 24 जनवरी को है। प्लीज हरी अप जरा गाइस, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब आता है। अगर इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे बता पाए तो बहुत बेहतर रहेगा। तब तक हम बढ़ते हैं आगे देखते हैं। सो आंसर आ रहा है यहां पर 11th अक्टूबर को ऑब्जर्व होता है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हमने देख लिया कि ये ऑब्जर्व होता है 24 जनवरी को। नेक्स्ट, जस्टिस ताहिरा सफदार हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच कंट्रीज हाई कोर्ट। न्यायमूर्ति ताहिरा सफदार को किस देश के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? इराकी, पाकिस्तानी, ईरानी, इजरायली या बांग्लादेशी? इसको प्लीज गलत मत करिएगा, इसको गलत नहीं करना है। चलिए आंसर की बात यहां पर करते हैं, जो आंसर आ रहा है आंसर की बात कर दो। यहां पर आंसर हमारा निकल गया, प्रीवियस ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। भाई पाकिस्तानी कह सकते हैं, हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बने। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, लुइस हैमिल्टन हैज वॉन द जर्मन ग्रैंड प्री टाइटल, ही इज फ्रॉम विच कंट्री। लुइस हैमिल्टन ने जर्मन ग्रैंड प्री का खिताब जीता है और वह किस देश से हैं? फ्रांस, यूके, नीदरलैंड, सर्बिया या बुल्गारिया? अब देखिए, फ्रांस कैपिटल पेरिस, करेंसी यूरो, यूके कैपिटल लंदन, करेंसी इज पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट वन इज नीदरलैंड, नीदरलैंड कैपिटल एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम, करेंसी यूरो। एंड सर्बिया कैपिटल बेलग्रेड, करेंसी दिनार। एंड बुल्गारिया की बात करें कैपिटल इज सोफिया, करेंसी इज लेव। बट आंसर की बात करें लुइस हैमिल्टन फ्रॉम ब्रिटेन, लुइस हैमिल्टन की बात कर दो, यूके से कहिए या ब्रिटेन से कहिए, भाई बात एक ही है, सर्बिया से नहीं, सर्बिया से नोवाक जोकोविक है, नोवाक जोकोविक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट गाइस, हु विल बी अवार्डेड विद द एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किसको एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? सुरेश सिंह, राहुल कुमार, विमल वर्मा, राम सहगल या जितेंद्र पाल? ये एग्जाम का क्वेश्चन बनने वाला है, तो प्लीज जरा मेरे को बता दीजिए किसको यहां पर कह सकते हैं कि किसको भाई, हु विल बी अवार्डेड विद द एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। चलिए आंसर की बात करें यहां पर विमल जी आंसर आ रहा है, भाई विमल वर्मा की बात करें, चलिए आंसर यहां पर राम सहगल, विमल नहीं है, राम सहगल विल बी अवार्डेड विद द एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट गाइज, इंडिया हैज गिवन व्हाट मिलियन क्रेडिट टू रवांडा। भारत ने रवांडा को कितने मिलियन की क्रेडिट लाइन दी है? 200 मिलियन, 300 मिलियन, 400 मिलियन, 500 मिलियन या 250 मिलियन? आंसर की बात करें जल्दी से फटाफट मुझे बता दीजिए कि भारत ने कितने मिलियन क्रेडिट लाइन दी है रवांडा को, 200, 300, 400, 500 या 250 मिलियन? रवांडा क्या है? रवांडा, रवांडा की गाली, रवांडा की गाली, रवांडा की गाली। और रवांडा की गाली खा के हमें कैसा फील होता? फ्रैंक फील होता है, याद रखिएगा। रवांडा की कैपिटल क्या है? रवांडा की कैपिटल है रवांडा की गाली, और रवांडा की गाली खाने के बाद हमें क्या फील होता है? फ्रैंक फील होता है। करेंसी क्या चलती है? फ्रैंक चलती है, तो रवांडा की गाली फ्रैंक, आई होप सो याद रहेगा। बट आंसर की बात करते हैं, आंसर यहां पर है ऑप्शन वन, इंडिया ने 200 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी है भाई किसको? रवांडा को। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। किसको मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अनिल जीत सिंह, विजय कुमार, सुरेश सिंह, नीरज वर्मा या राहुल जैन? इंपॉर्टेंट मार्क करेगा इस क्वेश्चन को भी कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। लेट्स सी द आंसर, यहां पर बात करते हैं, आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर 1, अमलजीत सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडियन एयरफोर्स वॉज पार्टिसिपेटेड इन फॉर द फर्स्ट टाइम इन एक्सरसाइज विद द रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। भारतीय वायुसेना ने रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ पहली बार एक अभ्यास में भाग लिया, उस अभ्यास का नाम क्या है? देखिए कॉमन है, 2018 में हुआ है, तो यहां पर आप टिक कर सकते हैं, पिच ब्लैक 2018 या पिच ब्लैक 18 एक्सरसाइज है जिसमें भारत ने पहली बार रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ यहां पर भाग लिया। नेक्स्ट गाइज, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज लॉन्च विच कंटेस्ट, स्पॉट दी लोगो, सजेस्ट टैगलाइन। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है जिसमें कह सकते हैं लोगों को स्पॉट करें और एक टैगलाइन का सुझाव दें? टैगलाइन यहां पर रखी गई है चाइल्ड लाइन 1098, 1097, 1096, 1095 या 1099।
सेशन पसंद रहा प्लीज लाइक भी करते चलेगा, एक बार जरा कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए यस सर क्लियर होता चल रहा है, और आउट ऑफ 20 आपका स्कोर क्या है। मैं चाहता हूं हर किसी व्यक्ति से प्लीज आंसर देके मेरे को बताएं। आंसर की बात करें यहां पर ऑप्शन ऑफ 4 इज राइट आंसर, चाइल्ड लाइन 1098 बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट गाइज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च ग्रीन महानदी मिशन, किस राज्य सरकार ने ग्रीन महानदी मिशन शुरू किया है या लॉन्च किया है, पंजाब, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या तेलंगाना। तो आंसर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, उड़ीसा की बात करेंगे जिसके चीफ मिनिस्टर का नाम गणेशी लाल है, न्यूली अपॉइंटेड है, उसी राज्य ने ग्रीन महानदी एक मिशन लॉन्च किया है, ग्रीन महानदी मिशन को बिल्कुल कह सकते हैं शुरुआत की है। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां है, मुंबई, न्यू दिल्ली, देहरादून, कोलकाता या जयपुर। हरी अब गाइस, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां है। ओके 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 ओके, स्टिल वेटिंग फॉर आंसर, ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा रहे, न्यू दिल्ली, लेट्स सी आंसर, आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, न्यू दिल्ली इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट गाइस, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग का मुख्यालय कहां पर है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहां पर है, जयपुर, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, देहरादून। देखते हैं पहले आंसर कौन देता है, ललन टॉप, ओके सॉरी ललन सिंह है, माफ करिएगा भाई ललन टॉप नहीं है, वो एकदम उसी में निकल गया फ्लो में। पंकज एंड आशुतोष, सुमित, रंजना, तितली जी, ओके तितली जी कह रही है एनडी, ओके अगेन एनडी मतलब यहां पर न्यू दिल्ली, अरे वाह क्या बात है, इंटरेस्टिंग नेम एंड इंटरेस्टिंग आंसर, तो न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट भाई, गवर्नमेंट हैज रिड्यूस, इस 24 वाले क्वेश्चन को मेरे से कह रहा हूं पत्थर की लकीरें आना है, लिख लीजिएगा, आने वाले किसी भी एग्जाम में डेफिनेटली ये छप कर आना है। गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड मिनिमम एनुअल डिपॉजिट अमाउंट फॉर अकाउंट अंडर सुकन्या समृद्धि योजना टू रुपीज व्हाट फ्रॉम 1000 अर्लियर, सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खातों के लिए न्यूनतम वार्षिक जमा राशि 1000 रुपए से घटाकर कितने रुपए कर दी है, 350, 250, 450 एंड 550 या 750। हरी अब गाइस, कितना अमाउंट यहां पर कर दिया, क्योंकि अभी मैंने रिसेंट में ही आपको बताया था 750, 250, 750, 250। प्रियंका चोपड़ा ने शादी कर ली, अबे भाई मेरे दोस्त मेरे, उसकी शादी से हमें क्या करना, ओके 250, 350, 750, 250, 750। स्टिल आंसर यहां पर जो आ रहा है वो 250 के साथ मैक्सिमम स्टूडेंट जा रहा है, और मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको ये बताया था, तो याद रखनी इसमें जो मिनिमम लिमिट है वो 250 कर दी गई है, पहले जो लिमिट हुआ करती थी यहां पर 1000 हुआ करती थी, अब लिमिट वो 250। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेडल्स इंडिया हैज वन जूनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप इन न्यू दिल्ली, किसने या यूं कहें भारत ने कितने पदक नई दिल्ली में जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में जीते हैं। अब एग्जामिनर की सटकी तो वो यहां से क्वेश्चन उल्टा पूछेगा, पूछेगा भाई मेरे जूनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन विच कंट्री, इन विच सिटी। सो याद रखना है न्यू दिल्ली वाज द वेन्यू ऑफ द जूनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, और अपने भारत की बात करते तो भाई भारत ने यहां पर टोटल 8 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट, इन विच सिटी हरियाणा गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ कल्चरल सेंटर, किस शहर में हरियाणा सरकार ने एक सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, कुरुक्षेत्र या फरीदाबाद। अरे अब गाइस, किस शहर में यहां पर बात की गई, राजीव कुमार जी प्लीज आंसर देके मुझे बता दीजिए कि किस शहर में हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कल्चरल सेंटर स्थापित करने के लिए। ओके आंसर की बात यहां पर करते हैं, अभी तक स्टिल आंसर नहीं आ रहा है, हिसार यहां पर कह रहे हैं हिसार, बट आंसर की बात करें आंसर यहां पर ऑप्शन 1 है, गुरुग्राम की बात करें गुरुग्राम में हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया एक कल्चरल सेंटर सेटअप करने के लिए। टेक्निकल टीम से मेरी गुजारिश है एक बार स्क्रीन को जूम किया जाए। नेक्स्ट गाइस, अकॉर्डिंग टू पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2018 रिलीज बाई थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर, विच स्टेट इज बेस्ट गवर्न्ड स्टेट इन कंट्री, थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा जारी सार्वजनिक मामलों के सूचकों 2018 के अनुसार कौन सा राज्य राज्यों की शासन व्यवस्था के मामले में देश में अव्वल रहा है। ओके केरला, केरला अलग अलग चल रहा है यहाँ पर, केरला भी आ रहा है, तमिलनाडु भी आ रहा है, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जल्दी से मेरे को आंसर देके बता दीजिए यहाँ पर राइट आंसर क्या है।
चलिए आंसर की बात यहाँ पर कर लें तो जो आंसर एग्जैक्टली बनेगा वो ऑप्शन नंबर 1 बनेगा, केरला स्टेट है यहाँ पर कह सकते हैं जो कि बेस्ट गवर्न स्टेट के रूप में टॉप पर रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद दी विदर्भ डिफेंस इंडस्ट्री एसोसिएशन फॉर सेटिंग अप एरोस्पेस एंड डिफेंस सेंटर इन नागपुर। एग्जाम में ये भी आ सकता है कि किस शहर में, तो वो शहर हमें नागपुर याद रखना है। किस कंपनी ने नागपुर में एरोस्पेस और रक्षा केंद्र की स्थापना के लिए विदर्भ रक्षा इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ एक साझेदारी की है, या यूं कहें एक भागीदारी की है। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, टाटा टेक्नोलॉजी का एग्रीमेंट रहा। एक लाइन में जाइएगा, ज्यादा डिटेल में यहां पर हम नहीं जाएंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी स्पिन पोर्टल, मतलब समझना, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के स्पिन पोर्टल के अनुसार रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन इन इंडिया की बात करें तो यहां पर कहा गया है हैव क्रॉस द 1 गीगावाट, विच स्टेट होल्ड टॉप स्पॉट। जो भारत का जो रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन है उसमें 1 गीगावाट तक यहां पर क्रॉस हो गया है, और उसमें किस स्टेट ने कह सकते हैं यहां पर टॉप किया है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, त्रिपुरा या नागालैंड, किस स्टेट ने यहां पर टॉप किया? इस क्वेश्चन को रट्टा मारना, ये क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन में से एक है। मंजीस, पंकज, निखिल, रश्मि, आदित्य, ओके, गुजरात आंसर यहां पर आ रहा है। माही, मनिंदर एंड दीपिका, एवरीवन इज सेइंग यहां पर गुजरात भी चल रहा है, महाराष्ट्र भी चल रहा है, बट भाई मैं आपको बता देता हूं राइट आंसर ऑप्शन 1 है, महाराष्ट्र स्टेट है जिसने यहां पर होल्ड किया टॉप स्पॉट। नेक्स्ट, हु हैज बीन ऑनर्ड बाई ब्रिटेन्स यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजिला बाई डॉक्टरेट इन सिविल सर्विसेज। किसको ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजिलिया द्वारा सिविल लॉज में मानद उपाधि सम्मानित किया गया? राकेश पाल, जितेंद्र पारसर, विवेक कुमार, सुरेंद्र जैन या अशोक मुखर्जी? हरी अब गाइस जरा बताइए किसको यहां पर सम्मानित किया गया है, किसको यहां पर इस सम्मान से सम्मानित किया गया? आई होप सो, मुझे लगता है आंसर आपको पता होगा। तमिल सर, गुजराती, ओके ओके ओके, तमिलनाडु, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन का चल रहा है। ओके, गुज्जू, गुज्जू यहां पर कौन है भाई? गुज्जू तो कोई नहीं है। ओके ओके ओके, ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा रहे हैं यहां पर, जितेंद्र पारासर के साथ जा रहे हैं स्टूडेंट, अशोक मुखर्जी। अब स्टिल आंसर की बात मैं करूं, अब आंसर आना स्टार्ट हो गया, यहां पर बोल रहे हैं कि अशोक मुखर्जी यहां पर राइट आंसर बनता है, तो भाई बिल्कुल अशोक मुखर्जी यहां पर राइट आंसर बनेगा। अशोक मुखर्जी है जिनको इससे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव रिजर्वेशन इन प्रमोशन टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पर्सनल इन इट सर्विसेज। किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कर्मियों को अपनी सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण देने का फैसला किया है? अलग न्यूज, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा या मणिपुर? जॉब तक रिजर्वेशन सही है, प्रमोशन में रिजर्वेशन? चलिए भैया, जो कर रही है गवर्नमेंट वो बेहतर कर रही है। ओके 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 ओके, शुभांगु। चलिए आंसर की यहां पर बात कर, अभी तक आंसर नहीं आया, बच्चों का जो आंसर चल रहा है वो कह रहे हैं ओके। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं, बिहार की बात कर रहे हैं यहां पर, बिहार स्टेट गवर्नमेंट है जिसने कहा है कि हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो गवर्नमेंट कह सकते हैं कि जो सर्विसेज हैं उसमें भी प्रमोशन देंगे। नेक्स्ट, लक्ष्य सेन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेनिस या वेट लिफ्टिंग? हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेनिस या भारोत्तोलन, किस खेल से संबंधित है लक्ष्य सेन? सेशन पसंद आ रहा प्लीज एक बार जरा लाइक भी करते चलिएगा, लाइक भी करते चलिएगा यहां पर। ओके, आंसर की बात कर लेते हैं। ओके 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 ओके, आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, बैडमिंटन की बात करें, लक्ष्य सेन इज रिलेटेड टू दी बैडमिंटन। नेक्स्ट भाई, विच इंडियन एथलीट हैज ब्रोकन हिज ओन नेशनल रिकॉर्ड टू विन 400 मीटर रेस एट सेना नवेहो मेस्ता एंड मैथुजी नीट इन सेज रिपब्लिक? किस भारतीय एथलीट ने चेक रिपब्लिक में, यूं कहें सेज रिपब्लिक में, सेना नोवेहो मेस्ता नेड मैथुजी मीट में 400 मीटर प्रतियोगिता में अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया? अमित कुमार मलिक, अमिया कुमार मलिक, मोहम्मद अनास याया, जिनसन जॉनसन, सुरेंद्र सिंह या जोसेफ अब्राहम? बड़े बड़े नाम हैं ऑप्शन में, एक ही आंसर यहां पर टिक हो पाएगा। आंसर की बात कर लेते हैं, अभी तक आंसर नहीं है। जिनसन जॉनसन के साथ जा रहे दोस्त, एक बार जरा देख लीजिए फिर दोबारा से, मोहम्मद यनास आया का नाम आ गया है यहां पर, मोहम्मद अनास याया, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था। नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आइसलैंड? अब मैं बात करूं निकोशिया की, निकोशिया इज द कैपिटल ऑफ साइप्रस, ये तो रट चुका है, साइप्रस, निकोशिया, यूरो, साइप्रस, निकोशिया, यूरो। क्यूटो की बात करें, इक्वेडोर की कैपिटल, इक्वेडोर, क्यूटो, डॉलर, तो दो तो एलिमिनेट हो गया। एंड नेक्स्ट वन इज कोनेक्री, कोनेक्री इज कैपिटल ऑफ गिनी, गिनी कोनेक्री फ्रैंक, देखिएगा साइप्रस, निकोशिया, यूरो एंड इक्वेडोर, क्यूटो, डॉलर एंड गिनी कोनेक्री फ्रैंक। रेक्सबिक की बात करें, इट इज द कैपिटल ऑफ द आइसलैंड, आइसलैंड की कैपिटल ऑप्शन नंबर 4 ही है हमारा, आइसलैंड की
भाई आयरलैंड की बात करें, आयरलैंड की होती है डबलिन, तो फोर ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट रहेगा। मैं यहाँ पर याद रखिएगा भाई, ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। आइसलैंड की कैपिटल रेग्जाबिक है एंड करेंसी इज क्रोना। आयरलैंड की कैपिटल डबलिन है, करेंसी यूरो, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर बनता है। एक बार जरा देख लेते हैं, साइप्रस निकोशिया यूरो, इक्वेडर क्यूटो डॉलर, गिनी करेक्री फ्रैंक एंड आइसलैंड रेग्जाविक क्रोना एंड आइसलैंड डबलिन यूरो। आई होप सो आपके क्लियर होगा। इन पांचों ही देशों की रट लीजिएगा, क्योंकि लास्ट सिक्स मंथ में ये न्यूज में रहे हैं, इसलिए मैं इनको रिपीट करता रहता हूं। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड चांसलर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी एम वेंकैया नायडू एज नेक्स्ट वाइस चांसलर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। किसे उपराष्ट्रपति एवं पंजाब विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एम वेंकैया नायडू द्वारा विश्वविद्यालय के अगले कुलपति के रूप में नियुक्त किया है? विजय सिंह, राजकुमार, सुरेश कुमार, राकेश कुमार या बड़े भाई हैं कुमार यहाँ, या विजेंद्र सिंह? दो सिंह तीन कुमार, जरा बता दीजिए, दो सिंह एक तीन कुमार में से कौन है भाई जिनको सेलेक्ट यहाँ पर किया गया है? ओके राजकुमार, ओके राजकुमार, चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर टू, डेफिनेटली राजकुमार हैज बीन अपॉइंटेड बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन चांसलर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी एम वेंकैया नायडू एज द नेक्स्ट वाइस चांसलर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, रामचंद्र सिंह देव, रामचंद्र सिंह देव का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे? या यूं कहें, वह एक पॉलिटिशियन थे, बट वह किस राज्य के पहले वित्त मंत्री थे? नागालैंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या तमिलनाडु? नागालैंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या तमिलनाडु, किस राज्य के वह पहले वित्त मंत्री थे? किनका नाम है भाई? राज सिंह, रामचंद्र, रामचंद्र सिंह देव। आंसर की बात यहां पर करते हैं, ये कहां से क्वेश्चन है भाई, समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। ओके स्टिल बात करते हैं यहां पर, राजकुमार, राजकुमार तमिलनाडु, चलिए ये कह रहे हैं तमिलनाडु, कोई कह रहा है तमिलनाडु, एक जना कह रहे हैं यहां पर अपरिचित, नो आइडिया, बहुत गलत हो रहे हैं भाई, इसलिए गलत हो रहे हैं क्योंकि याद नहीं है, याद होते तो दिक्कत नहीं होती। चलिए आंसर की बात यहां पर कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। ही वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, हाउ मेनी यंगस्टर्स शॉर्टलिस्टेड फॉर कंप्लीट स्कॉलरशिप अंडर द खेलो इंडिया टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम? कितने युवाओं का चयन खेलो इंडिया प्रतिभा विकास योजनाओं के तहत संपूर्ण छात्रवृत्ति के लिए किया गया? 737, 735, 734, 744, 754। इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर में मजा आएगा। 737, 735, 734, 744। चलिए आंसर की बात करें, आज मजा आ रहा है ना, क्योंकि क्वेश्चन आगे आंसर गलत हो रहे हैं अभी तक, हमें ऐसा लगता है सबको चाहता है दोस्त मेरे भाई एग्जामिनर इसी प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, तो हमें याद रखना पड़ेगा। 734, 735, देख रहे हो कितना वेरिएशन है, 734, 73। सर याद करती हूँ, भूल खा जो बादाम खाना स्टार्ट करो याद होने लगेगा, मल्टीपल रिविजन करिए याद होने लगेगा। जितनी बार ये वर्कशीट जो आपको मिलती है ना, ये जो PDF मिलती है, उसको एक दो बार रिवाइज करते रहा करिए, अपने फ्रेंड सर्कल बढ़ाइए, एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन करिए, व्हाट्सएप पे भाई इधर उधर की बातों के अलावा एक दूसरे को क्वेश्चन पोस्ट करना स्टार्ट करिए, सारे आंसर आपको याद होने लगेंगे। चलिए आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर। 734 कह सकते हैं स्पोर्ट्स पर्सन सेलेक्ट हुए थे। नेक्स्ट, हु हैज इनॉग्रेटेड मोस्ट एडवांस सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग? अब देखिए एग्जाम के लिए एक और एब्रीवेशन बन गई, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सफर? तो याद रखना है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग, जिसको नई दिल्ली के चांदनी चौक में इनॉग्रेट किया गया। और ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? हर्षवर्धन, रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी या सुमित्रा महाजन? अरे अब गाइस जरा, सर गूगली पे गूगली, अमा यार अभी तो गूगली, अभी तो दूसरा भी फेंकना बाकी है, अभी तो तीन चार दिन बहुत बचे, अभी तो दूसरा फेंकना बाकी है, टेंशन ना लीजिए, क्वेश्चन वही फ्रेम होना है जो एग्जाम ओरिएंटेड है। सुमित कुमार कह रहे हैं सर आई एम इन लव, ओ माय गॉड, भाई मेरे आपका प्यार बहुत ऊंचा जाए, आप भी ताजमहल बनवाओ। ओके चलिए आंसर की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आंसर की बात करें, ऑप्शन वन इज राइट आंसर। हर्षवर्धन हैज इनॉग्रेटेड मोस्ट एडवांस सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एट चांदनी चौक इन न्यू दिल्ली। प्लीज फोकस करिएगा सफर की फुल फॉर्म पे। नेक्स्ट, हु हैज लॉन्च स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम फॉर नेशन वाइड इंप्लीमेंटेशन इन गुरुग्राम? या यूं कहें किसने गुरुग्राम से राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के लिए, राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के लिए छात्र पुलिस कैडेट कार्यक्रम आरंभ किया? हर्षवर्धन, रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या सुमित्रा महाजन? हरी अब गाइस जरा बता दीजिए, ताजमहल के नाम पर खुशी आ गई यहां पर, हाँ यार हैं, चलिए कोई नहीं, आज आंसर की बात करते हैं यहां पर कि किसके द्वारा SPC प्रोग्राम लॉन्च किया गया, स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम यहां पर लॉन्च किया गया है।
चलिए आंसर की बात करें, यहां पर आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर इन लखनऊ उत्तर प्रदेश, उनका निर्वाचन क्षेत्र है, उन्हीं के द्वारा कह सकते हैं ये की लॉन्च किया गया। ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि रेलवे के लिए नहीं है, बैंक के लिए नहीं, एसएससी के लिए नहीं है। इस सेशन में कभी मैं ये नहीं देखता कि स्पेशली इस एग्जाम को फोकस कर रहा है। 500 एमसीक्यू मतलब लास्ट 4 मंथ के, ये हो गया कि हम पिछले 4 महीने के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, वो करंट अफेयर कहीं भी आ सकता है। तो आप इसको मतलब मानकर चलिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें उसके लिए। नेक्स्ट, इन विच सिटी फर्स्ट इंडिया यूएस 2+2 डायलॉग वॉज हेल्ड, किस शहर में पहली भारत यूएस 2+2 वार्ता आयोजित हुई थी? मुंबई, नई दिल्ली, वॉशिंगटन डीसी, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क। एक इंपॉर्टेंट न्यूज गाइज, हमारा अब वीकली एमसीक्यू वापस आ चुका है, वीकली एमसीक्यू जिसे हम सैटरडे को डिस्कस करते हैं 12 बजे। तो याद रखना है आपको कि जो हमारा वीकली एमसीक्यू है वो 12 बजे होता है हर सैटरडे को, प्लीज समझिएगा, 12 बजे होता है हर सैटरडे को। जितने भी स्टूडेंट को इसके बारे में नहीं पता, प्लीज अपने दोस्तों को, अपने कह सकते हैं जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने आपके कॉन्टेक्ट में, उन सभी को अवेयर करिए कि 12 बजे हम हर पूरे वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं, और ये हमारा जो सेशन रहता है बेस्ड रहता है हर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, आंसर की बात करते हैं, न्यू दिल्ली वॉज द वेन्यू ऑफ द फर्स्ट इंडिया यूएस 2+2 डायलॉग। नेक्स्ट, गोपाल दास नीरज हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज वॉट? गोपाल दास नीरज का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे? इकोनॉमिस्ट, पोइट, साइंटिस्ट, डॉक्टर या सिंगर? मुझे लगता है सेशन तो आपको पसंद आ रहा है, बट सर लाइक नहीं करेंगे, क्या करें, लाइक करके मजा नहीं आता, एक बार डिसलाइक जरूर कर देंगे, ऐसा करने वाले बहुत हैं, क्योंकि 7 ओके, एक बार डिसलाइक आ गया, 8, मेरे कहने की देर थी कि डिसलाइक यहां पर बढ़ गए। भाई मेरे दोस्त, सेशन देख रहे हो तो फिर एक काम करिए, आइए ही मत, आइए मत, डिसलाइक मत करिए, डिसलाइक इसलिए मत करिए क्योंकि मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता है कि लोग आते हैं डिसलाइक करते हैं, तो उसका रीजन भी पोस्ट किया करिए कि सर ये रीजन है इसलिए हमने डिसलाइक किया। अगर मेरी कमियों को आप मुझे बेहतर बता पाएंगे तो मैं उन कमियों को दूर करके और बेहतर कर पाऊंगा। तो आप बिल्कुल गरियाइए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि सर ये रीजन है इस वजह से हमने डिसलाइक किया, नेक्स्ट टाइम देखिएगा वो रीजन आपको नहीं मिलेगा। आई होप सो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। डिसलाइक अगर करना ही है तो बिल्कुल करिए, बट अगर कोई रीजन है करने का जिस वजह से मैं आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो वो फुलफिल करने के लिए अपना रीजन मुझे पोस्ट करिए, उस रीजन को मैं डेफिनेटली जड़ से खत्म कर दूंगा। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, ही वॉज दी कवि, ही वॉज दी पोइट, गोपाल दास नीरज जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ वह कवि थे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एडीबी इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू व्हाट परसेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर 2018-19? एशियाई विकास बैंक के अनुसार भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2018-19 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? चार डिसलाइक, इसका मतलब मेरे 4 भाई बंधुओं ने सुन लिया, उनको सेशन पसंद आ रहा है। ओके, अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू व्हाट परसेंट? 0 डिसलाइक, क्या बात है भाई, सलूट है आप लोगों को, सलूट है, एक भी डिसलाइक नहीं है, 0 डिसलाइक, ओके, 703 लाइक। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू 7.3% इन अ फाइनेंशियल ईयर 2018-19। In which city 4th BIMSTEC summit was held? किस शहर में 4th BIMSTEC शिखर सम्मेलन आयोजित होगा? ओके, स्पीड स्लो कीजिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे को क्वेश्चन कंप्लीट करने हो तो स्पीड में को इतनी लेके चलनी पड़ती है क्योंकि एक और सेशन लगा होता है, बट मैं ट्राई करूंगा कि अपनी स्पीड को और मैनेज करने की कोशिश करूं। चलिए आंसर की बात यहां पर करते हैं, उससे पहले प्लीज जरा मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में कि इन विच सिटी 4th BIMSTEC समिट वॉज हेल्ड। और एक और चीज, BIMSTEC की फुल फॉर्म क्या, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जरा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIMSTEC? ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं इनका आंसर मैं इस प्लेटफॉर्म पे दे नहीं सकता। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं, यहां पर बड़ा मजा चल रहा है, कभी एक डिसलाइक आ जाता है, फिर हट जाता है, फिर आता है, फिर मतलब मेरे इमोशन के साथ खेला जा रहा है। कोई नहीं दोस्त मेरे भाई, खेल लीजिए, मैं नहीं रोने वाला। अब देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIMSTEC? वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन। वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन, अगेन, वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन इज अ फुल फॉर्म BIMSTEC, एंड 4th BIMSTEC समिट वॉज हेल्ड इन काठमांडू नेपाल, एंड 5th विल बी हेल्ड इन श्रीलंका। प्लीज गाइज रिमेंबर, 4th कहां पर हुआ है, नेपाल के काठमांडू में हुआ, आंसर देख लीजिए ऑप्शन नंबर 2। एंड द नेक्स्ट वन जो होने वाला है 5th BIMSTEC समिट, वो कहां पर होगा, श्रीलंका में होने जा रहा है। नेक्स्ट, इन विच सिटी 8th ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग वॉज हेल्ड, के शहर में 8वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई थी? न्यू दिल्ली, बीजिंग, डरबन, मॉस्को या ब्राजीलिया? न्यू दिल्ली, बीजिंग, डरबन, मॉस्को या ब्राजीलिया, कहां पर भाई 8th ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग आयोजित हुई थी? अरे अब गाइस मेरे को बताइए जरा प्लीज, कहां पर 8th ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर की मीटिंग आयोजित हुई थी? कौन बनेगा, कुर्सी पर हम बैठे हुए हैं, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जरा जल्दी से आंसर देके बताइए, ये सवाल आपकी जिंदगी बदल देगा। In which city 8th BRICS health ministers meeting was held?
चलिए आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर. डरबन साउथ अफ्रीका वॉज द वेन्यू ऑफ द 8th ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग. नेक्स्ट, इन विच सिटी 4th राउंड ऑफ मैरिटाइम अफेयर्स डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड जापान वॉज हेल्ड. किस शहर में भारत और जापान के बीच समुद्री मामलों के वार्ता का चौथा दौर आयोजित हुआ था. मुंबई, देहरादून, नई दिल्ली, लखनऊ या भोपाल. कहां पर आयोजित हुआ था? मुंबई, देहरादून, नई दिल्ली या लखनऊ या भोपाल, कहां पर आयोजित हुआ था? हिंदी में भी बोलो सर. ओके दोस्त, हिंदी में बोलता हूं. किस शहर में भारत और जापान के बीच समुद्री मामलों की वार्ता का चौथा दौर आयोजित हुआ था? क्या वह मुंबई में हुआ था, क्या वह देहरादून में हुआ था, नई दिल्ली में, लखनऊ में या भोपाल में? चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के उत्तर की तरफ कि इसका उत्तर क्या है. इसका जो सही उत्तर है वह 3 है. आई होप सो क्लियर होगा यहां तक. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट भाई, व्हाट इज द करेंसी ऑफ रवांडा? रवांडा की मुद्रा क्या है? रवांडा की गाली. और गाली खाने के बाद हमें क्या लगता? फ्रैंक, याद है ना? रवांडा के गाली फ्रैंक. सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. रवांडा के गाली फ्रैंक. नेक्स्ट, विद विच कंट्री इंडिया हैज साइन 2 एग्रीमेंट ऑन कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम एंड ऑन कॉपरेशन बिटवीन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एंड घाना स्टैंडर्ड अथॉरिटी. ओके, क्लियर हो गया यहां पर आंसर. यहां पर ऑप्शन में मिला हुआ है, यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है घाना के साथ ही एग्रीमेंट हुआ होगा. सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. इसको मैं चेंज कर दूंगा अभी आपको पीडीएफ में. घाना की, चलिए पांचों देश आए तो इनके नाम ही हैं, तो एक काम करते हैं इन्हीं के सारे फैक्ट देख लेते हैं. घाना की कैपिटल है अक्रा एंड करेंसी सैडी. घाना करा सैडी. वियतनाम हनोई, करेंसी डोंग. सूडान की बात करेंगे, जरा कमेंट बॉक्स में आंसर देकर बताइए सूडान की कैपिटल क्या है. एक सूडान और दूसरा साउथ सूडान, दोनों की जरा देकर बताइए मेरे को, क्योंकि मेरे को इनमें कंफ्यूजन रहता है. रवांडा की है किगाली एंड करेंसी इज फ्रैंक. एंड युगांडा कैपिटल इज कंपाला एंड करेंसी फ्रैंक. क्योंकि मेरे को सूडान और साउथ सूडान में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है. सूडान की जहां तक मुझे पता है वो खार्तूम है. सूडान की कैपिटल खार्तूम है, बट देख लेते हैं एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं. सूडान की बात करें यहां पर, आप बता दीजिए जरा मेरे को सूडान की क्या है, साउथ सूडान की क्या है. ओके, सूडान कंफर्म हो गया है. सूडान की कैपिटल है वो खार्तूम है. सूडान खार्तूम पाउंड. एंड साउथ सूडान की याद आ गई, अब जूबा और करेंसी पाउंड. सूडान खार्तूम पाउंड, साउथ सूडान जूबा पाउंड, याद रखिएगा. नेक्स्ट, Who will take over as a Chief Justice of Delhi High Court? यूं कहें किसने अभी तक कह सकते हैं मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाल लिया है दिल्ली के चीफ जस्टिस के रूप में. राजेंद्र मेनन, गीता मित्तल, अजीत सिंह, जम्मू एंड आर सुभाष रेड्डी या रमेश रंगनाथन. आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, राजेंद्र मेनन, जो कि बन चुके हैं दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस. गीता मित्तल की बात करो तो शी इज अ फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट. नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन? दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संगठन का मुख्यालय कहां है? तो आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. जकार्ता इंडोनेशिया इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. बाकी की बातें देखते हैं इसके बारे में. देखिएगा जरा टेक्निकल टीम, प्लीज जरा भाई को जरा ढंग से दिखाया जाए. फाउंडेशन ईयर इज 1967, 8 अगस्त 1967 को एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की स्थापना हुई थी. जकार्ता इंडोनेशिया इसका हेडक्वार्टर, जिस पर बेस क्वेश्चन फ्रेम किया. लिम जोक हुई, देख रहे हो ना कितना मुस्कुरा रहे, मंद ही मंद, तो यही है लिम जोक हुई जो कि सेक्रेटरी जनरल है. 10 कंट्रीज इसकी मेंबर, जिसमें कि याद रखना थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर. अब देखिए मेरा हमेशा सवाल रहता है इन्हीं देशों के, जरा स्टैटिक फैक्ट भी देख लेते हैं. जैसा कि मलेशिया, स्टार्टिंग करेंगे थाईलैंड से. थाईलैंड कैपिटल बैंकॉक, करेंसी इज भाट. इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता, करेंसी रुपया. मलेशिया कैपिटल कुआलालंपुर, करेंसी रिंगिट. वियतनाम कैपिटल हनोई, करेंसी डोंग. सिंगापुर कैपिटल सिंगापुर सिटी, करेंसी डॉलर. फिलीपींस कैपिटल मनीला, करेंसी पीसो. म्यांमार कैपिटल नाय पी दो, करेंसी इज क्या KYAT. एंड कंबोडिया कैपिटल इज नॉम फेन, करेंसी रियल. लाओस कैपिटल इंटरेस्टिंग है विंताने, एंड करेंसी किप KIP, यहां पर करेंसी चलती है. ब्रुनेई की तो बहुत भाई अलग ही है. बंदर सेरी बगवान इसकी कैपिटल, एंड करेंसी की बात करेंगे, करेंसी यहां पर डॉलर चलती. आई होप सो आपके सारी चीजें क्लियर होंगी. नेक्स्ट गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन कर्नाटका? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है? दुधवा, बांधवगढ़, बंदीपुर, बेतला या भीतरकनिका? तो आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. बांदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन कर्नाटका. अब बेतला की बात करें झारखंड में, बांधवगढ़ काना माधा पन्ना पेंच फॉसिल सतपुड़ा वन विहार ये मध्य प्रदेश में हो गया. दुधवा की बात करें उत्तर प्रदेश में हो गया. भीतरकनिका सिमलीपाल नंदनकानन जूलॉजिकल नेशनल पार्क, तो 5th वन आपका उड़ीसा में हो गया. बॉक्स मेथड से भी एक बार देखते हैं. दुधवा उत्तर प्रदेश, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, बंदीपुर कर्नाटका, बैतला झारखंड में, एंड भीतरकनिका की बात करें यह आपका उत्तर उड़ीसा राज्य में स्थित है.
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर हैं? अब देखिए, एन एस विश्वनाथन भी है, बीपी कनुनगो भी है, विरल बी आचार्य भी है और महेश कुमार जैन तो न्यूली अपॉइंटेड है। सो ऑप्शन नंबर फिफ्थ यहां पर राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर फिफ्थ पर टिक करेंगे, यहां पर ऑप्शन नंबर फिफ्थ हमारा राइट आंसर बनेगा। ऑल ऑफ द अबव आर द डिप्टी गवर्नर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंटिंग प्रेस। अब देखिए, प्रिंटिंग प्रेस की बात करें, मैसूर है, सालवोनी है, देवास है, नासिक है। मैसूर सालवोनी है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एंड देवास है नासिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। मैसूर है यहां पर है, सालवोनी है, सालवोनी है, देवास है, देवास है भाई, नासिक है, नासिक है। तो कौन सी नहीं है? कोलकाता क्या है? नहीं है, क्योंकि कोलकाता में सिक्कों की ढलाई होती है। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा, ये चार लोकेशन है जहां पर सिक्कों की ढलाई होती है, नोटों की छपाई नहीं होती है। आई होप सो क्लियर होता आपके चल रहा होगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हु इज अ ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर, जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? आंसर की बात करते हैं, जुआल उरम इज अ मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर, बाकी के मिनिस्टर उनकी मिनिस्ट्री चलिए देख लेते हैं। डीवी सदानंद गौड़ा है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिनिस्टर, बैंगलोर नॉर्थ कर्नाटका। सुरेश प्रभु सिविल एविएशन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है, राज्यसभा एमपी फ्रॉम आंध्र प्रदेश। जगत प्रकाश नड्डा आज न्यूज में भी रहे थे, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बात करें, राज्यसभा एमपी फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश, माफ करेगा एमसीक्यू में। आनंद गीते हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस होल्ड कर रहे हैं और ये रायगढ़ महाराष्ट्र से आते हैं। जुआल ओरम की बात करें, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर सुंदरगढ़ उड़ीसा, इनका निर्वाचन क्षेत्र है। तो प्लीज इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई होप सो सारी चीजें आपको पसंद आ रही होंगी। बढ़ते नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई की इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और इतनी बात मैं कहना चाह रहा हूं, लाइक मत करिए, शेयर मत करिए, कमेंट मत करिए, बट जितने भी स्टूडेंट हमारे से नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के लिए औरों को भी बताइए कि इस प्लेटफॉर्म पे हम आपको क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा स्टूडेंट कहते हैं क्योंकि आप कमेंट पढ़ते रहते हैं और मैं चाहता हूं हर कोई व्यक्ति जो फील करता है कि आपके एग्जाम में आ रहा है वो एक बार जरा कमेंट जरूर पोस्ट किया करें, क्योंकि हमें बूस्टअप मिलता है, क्योंकि हमारे पास और कोई जरिया नहीं है आपसे कनेक्ट होने का। वो एक कमेंट बॉक्स ही है जिसमें आपकी अच्छी बातें भी हमें पसंद आती हैं और आपकी बुरी बातें भी हमें पसंद आती हैं, क्योंकि जो बुरा बोलते हैं ना, गलत बोलते हैं, वो गलत सभी के लिए पॉजिटिव निकलता है। वो इसलिए नहीं बोलते कि सर आप खराब है हम खराब है, कहीं ना कहीं आपकी रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल नहीं कर पाते इसलिए वो नेगेटिव कमेंट आते हैं। और डेफिनेटली मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो नेगेटिव कमेंट भी मैं बहुत प्यार से लेता हूं और उनको मैं कहीं ना कहीं पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं कि आपने जो कहा कि ये नहीं हुआ सर यहां पर, तो मैं उसे लाने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज जो भी आपके मन में हुआ करे उसे सब कुछ आप कह सकते हैं कि कर दिया करिए भाई, लिख दिया करिए अपनी बातों में अच्छे शब्दों में, जिससे कि कह सके अच्छे बुरे जो भी शब्द रहते हैं मैं कोशिश करूंगा आगे उनको इंप्लीमेंट करने की। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज इसको अपने फेसबुक पेज पे या फेसबुक पे आईडी पे या यूं कहें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना लोगों तक रीच इसकी पहुंचेगी। सो गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।